ये नींबू पानी जी तेरा। बैठ जाओ भाई सफीना, बैठ जाओ। तेवर देखे थे आपने उस मीना के? साफ लग रहा था कि जुनेद ने जबरदस्ती उसको लाकर हमारे बराबर बिठा दिया, वरना वो तो हमें मुइना लगाती। हाँ, लग रहा था बहुत हाथ पांव जोड़ के खुशामत करके लाया है उसे। सच पूछो तो बहुत तरस आ रहा था मुझे जुनेद पर। बहुत सादा है बेचारा, फंस गया मीना के चुंगल में, फंस गया। सही कह रहे हैं अब्बू, मामू बहुत प्यारी नेचर के हैं, तो वो मामी को भी अपने जैसे बना ही लेंगे। इंशाल्लाह बहुत खुश रहेंगे दोनों। निदा, ज्यादा पेशेंट गोइयां करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अकल वकल है नहीं? मामू की हमदर्दी समेटने चलिए। अरे तुमने देखा नहीं, ये लड़की एक एक पाई जुनेद की वसूल कर लेगी। इस कदर शानदार तरीके से वलीमा हो रहा है, सारे पैसों पे पानी फिर जाएगा, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ये तो अच्छी बात है ना अम्मी, वैसे भी इतने टाइम से खानदान में कोई शादी हुई ही नहीं है। और इस बार तो मामू ने मुझे कहा है मैं अपनी फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लूं, तो बस आप कल चल के ना मेरे साथ कोई अच्छा सा जोड़ा दिलवा देगा मुझे। निदा, क्यों मेरा दिल जलाए जा रही हो? जाओ यहां से, जाओ। सारी जमा पूंजी को ये लड़का आग लगाने पे तुला हुआ है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो ये मीना मेरे भाई के गले पड़ गई।